नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। खबर इंदौर से है। खाद्य विभाग की टीमें इन दिनों कार्रवाइयां करके मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ को जब्त कर रही हैं और उनके सैंपल भरे जा रहे हैं। दरअसल कमलनाथ सरकार प्रदेश को मिलावट मुक्त प्रदेश बनाने का नारा दे रही है और ऐसे में खुद खाद्य विभाग के निर्देश पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन इन्हीं कार्रवाइयों की आड़ में कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो मलाई खाने में जुटे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के चंद्रनगर में सामने आया है, जहां पर एक स्वीट्स शॉप पर पहुंचे एक ऐसे ही संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलावट की सामग्री के आरोप लगाते हुए दुकानदार से 50,000 रुपए की मांग कर डाली। जब दुकानदार ने इस बात की सूचना खाद्य मंत्री तुलसी सिलावट को दी तो मौके पर ही दूसरी असली टीम पहुंच गई और नकली टीम को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। ये दिलचस्प मामला इंदौर के चंदन नगर थाने से सामने आया है। अब आरोपियों को पकड़कर थाने ले जाया गया है। आरोपी खुद को एक उपभोक्ता उत्थान संगठन का सदस्य बता रहे हैं। इन पर आरोप है कि ये पहले भी कई दुकानों को निशाना बना चुके हैं। ये नकली खाद्य विभाग की टीम दुकानदारों को डरा धमका कर उनसे रुपए ऐंठने का काम करती थी। मंत्रालय के थ्रू आना है जो नियुक्तियाँ हुई वो गलत कर रहा है। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन से इंदौर जिला उपाध्यक्ष विनय सैनी, मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि कीमती गार्डन जो है वहाँ पर पेट्रोल पंप से बिल्कुल लगा हुआ गार्डन है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर मिठाई मतलब गंदे तरीके से या अनियमितताएं पाई गई, इसलिए वहाँ पर गए थे और सिर्फ सैंपलिंग लेने के लिए गए थे, न कि कोई जांच करने। सैंपलिंग लिए बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है हमारा, जो संगठन है संगठन का जो अधिकार है ऑनलाइन पूरा डला हुआ, आप इसकी चाहे तो डिटेल देख सकते हैं। सैंपल का जो है अधिकार वो है, हमको सैंपल हमने लिए थे और इसकी सूचना स्वामी जी को खाद्य अधिकारी को देते और हमने इस संबंध में मनीष स्वामी जी को, अरे बिल्कुल अरे कहा ना आप सुन ही नहीं रहे, हम कल से उनको फोन लगा रहे हैं कल से, और कल उन्होंने बोला भी था कि बिल्कुल मैं साथ में। ये देखिए अब मैं भी बोल दूं कि इन्होंने हमको कमरे में बंद करके मारा, ठीक है आप ये भी नोट कीजिए। अगर हमने ये क्या ये बोल रहे हैं कि 50,000 है, 50 को बोल रहे हो आप तो 1,00,000 बोलो ना, आपके पास कोई सबूत है? हमारे पास जो सबूत है वो वीडियो है। बिल्कुल उपभोक्ताओं के हित का संगठन है, उपभोक्ता किसी उपभोक्ता के साथ अगर कुछ गलत होता बिल्कुल शिकायत लिखित शिकायत है हमारे पास में, हम आपको बिल्कुल आप हमारे कार्यालय पे आइए बिल्कुल दिखाएंगे आपको। और इस संबंध में मनीष स्वामी जी को हम कल से इत्तला कर रहे थे लेकिन स्वामी जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और उसके बाद आने के बाद हमने यहाँ पर आने के बाद स्वामी जी को खुद फोन लगाया, हमने ही फोन लगाया लेकिन उन्होंने ये इन्होंने तो फिर सब जगह लगाया, इन्होंने स्वामी जी को भी लगा दिया, इन्होंने तुलसी सिलावट जी को भी लगा दिया। देखिए आप वो कह रहे हैं फर्जी लोग, ठीक है वो तो अब जैसे इन्होंने कहा तो बिल्कुल कर रहे हैं, मैं भी आवेदन दे रहा हूँ, इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, मैं भी इन पे इल्जाम लगा रहा हूँ। तो खाद्य विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं तो फिर उनको कार्रवाई करना चाहिए ना, वो कह रहे हैं तो ठीक है ना करने दीजिए ना, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कीमती गार्डन में मीठे बनाता हूँ, ये आए 500 बोले हम फूड इंस्पेक्टर चेकिंग करेंगे, ये वो लाइसेंस नहीं है कुछ, मैंने अंदर कैसे आपको कोई है कार्ड वार्ड कलेक्टर आदेश लाए, बोले कुछ नहीं है तुमको टंकी रखने का अध्यक्ष नहीं है, ये नहीं है, किन्ने किससे पूछ के इतनी टंकी रख रहे हो, ये गंदी वाला है, सब वीडियो बना रहे हैं, मैं साहब बाहर निकलो फिर बात करेंगे। जब बाहर निकले फिर मैंने कलेक्टर साहब को इनको आवेदन दिया, तुलसी भैया मेरे मित्र अच्छे तो उनको फ़ोन लगवाया, फिर उनने मैडम को और मनीष स्वामी जी को भेजा और ये आ गए। हाँ मंत्री जी को मैंने बोला साहब आपसे इन्होंने कोई रुपये की डिमांड करी 50,000 रुपये, बोले 50 मुझे जब मैं समझ गया नकली, बोले 50,000 रुपये तो मुझे साहब मैं रुपये देने वाला छोटा आदमी कहाँ से दूँ, 50,000 कमाएं थे तुमको कहाँ से दूँ। गार्डन में जो है सूचना मिली थी कहीं से कि कुछ लोग जो हैं सैम्पलिंग कर रहे हैं और सैम्पलिंग करने और पेस्ट ना बनाने के बाद में कुछ पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो ये सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली तो
तहसीलदार मैडम के साथ हमारी टीम जो है यहाँ पर तत्काल पहुँची और जैसी पूछताछ करी तो बताया गया कुछ पैसों की डिमांड की जा रही है और उसके बाद जो है तत्काल जो है यह सारा मामला जो है प्रशासन को बताया गया तो जिस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आदेश किया हम जो है तत्काल सारी चीज़ों को सारे सबूत इकट्ठे करके जो है हमने प्रशासन को भेजी किस प्रकार के सर वो लेटर पेड पे भी कुछ लिखा पढ़ी करी उन्होंने वो लेटर हेड पे अपने सैंपल लेने की पूरी जानकारी लिखी हम कि आपसे यहाँ से ये सैंपल ले रहे हैं पूरी विस्तृत रूप से और पूरे सैंपलिंग की लिस्ट बना रहे हैं और पूरा तरीके से लिखा पढ़ी करना जिस तरीके से कार्य होता है मतलब कहीं ना कहीं से वो ट्रेंड हो गया है असल में। सर खाद्य विभाग अपनी ओर से कोई एफ आई आर करेगा क्योंकि फर्जी एक तरह से एक्चुअली इसमें फरियादी को एफ आई आर करना चाहिए और फरियादी जो है एफ आई आर करेगा खाद्य विभाग की जो मदद मिलेगी रहेगी वो हम करेंगे उसके साथ। कितने जनों का टोटल चल रहा था सर पूरा फर्जी विभाग का बनकर अभी जो है ये पिछले दो दिनों से इनका मामला सुनने में आया है इसके पहले तो इस तरीके का मामला इनका सुनने में नहीं आया। कितने जने थे सर ये लोग साथ में? लगभग 5 लोग थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि कीमती गार्डन में कुछ लोग अवैध रूप से घुसे हैं और घुस के उसका वीडियो वगैरह बना रहे हैं जो अपने आप को पत्रकार बना रहे हैं। आप तत्काल वहाँ पहुँचो उस पे से मैं बस देवड़ा साहब का रिपोर्ट करता हूँ। दोनों ही गए थे वहाँ पे जाके मैंने स्थिति देखी उनको थाने लेके आया हूँ। थाने में ये भंवरलाल गुजर द्वारा जो कीमती गार्डन के मालिक हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है साथ ही सामने वाले भी आवेदन देने का कह रहे हैं उसकी जांच करेंगे विधिवत कार्रवाई करेंगे। आरोप लगाया कि 50,000 रुपए मांगे अब ये जांच में सिद्ध होगा। जैसा ये बता रहे हैं जो संगठन बता रहा है कि किसी संगठन को ऐसी अनुमति है कि जाकर वहाँ पर इस तरह से शिकायत विदाउट इनको सूचना देना चाहिए। सूचना तो उस मालिक को भी देना चाहिए थाने पे भी देना चाहिए। भाजपा युवा मोर्चा महाराजपुर के मंडल उपाध्यक्ष राहुल चौरसिया की ओर से आप सभी को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के युवा नेता राहुल बाबूराम चौरसिया की ओर से आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। MI स्टोर रॉयल मोबाइल उमरिया की तरफ से सभी प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद पंचायत सुसनेर के अध्यक्ष गजेंद्र जी चंद्रावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों एवं सुसनेर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।